Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आज मेरा जो है वो ब्लॉग इज़ अबाउट माई बर्थडे शॉपिंग हॉल एंड जो गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था. आई वॉज लाइक, क्योंकि मुझे कल भी क्वेश्चन आए थे, आपने दिखाया नहीं आपने क्या लिया है, तो मुझे था कि एक दफ़ा मैं वो बर्थडे को इससे अलग कर दूँ, क्योंकि वो जो है वो डिफरेंट वीडियो है और ये जो है ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो. वो मैं आपको दिखाते दिखाते बातें भी बहुत करती हूँ, तो मुझे था कि मैं जो है ना फिर इसके साथ अगर मर्ज करूँगी तो बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, 20-25 मिनट्स की हो जाती है, और फिर वो ना इतनी ना अपीलिंग नहीं होती, इतनी फैसिनेटिंग नहीं होती. इसलिए आई वॉज थिंकिंग, सॉरी फैन लगा हुआ है, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियरली. मैं ट्राई कर रही हूँ ज़ोर से बोलने का, लेकिन इट्स वेरी हॉट, मैं फ़ैन ऑफ नहीं कर सकती और इस रूम में एसी भी नहीं है. हाँ जी, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी शॉपिंग से. एज यू ऑल नो, मैं गई थी परसों शॉपिंग करने के लिए, एंड जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मैंने शॉपिंग में जो है ना अपनी पसंद की सारी चीज़ें ली थी जो मेरे बच्चों की दी. जो जितने गिफ्ट मैं दिखाऊंगी पहले मेरे बच्चों की तरफ से, एंड एंड में आई विल शोइंग यू द गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, जो कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ईयर भी अगर शो किया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरे हस्बैंड मेरे क्या लेकर आए. तो पहले जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो चीज़ें मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट की हैं. सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ वो है दिस वन. हाँ जी, तो मैं जब गई थी तो मैं बातिक गई थी, और बातिक में जो है ना मुझे एक जोड़ा सबसे एंटर होते ही बहुत ज़्यादा क्लिक किया था. उसे मैंने देखा, फिर मैं दूसरे बलोची जोड़े की तरफ गई, फिर मैंने वापस उसे आके देखा, और फिर मैंने कहा नहीं, मैं लाइम लाइट जाती हूँ, मैं वहाँ पर देख लूँगी. ना जब आप शॉपिंग कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि कौन सी चीज़ मुझे सूट करेगी. खैर मैं जब लाइम लाइट गई, क्योंकि आपको पता है लाइम लाइट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, तो मैं जब वहाँ गई तो मुझे जो है ना वो कपड़े इतने ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगे. एंड देन आई वाज लाइक आई शुड गो बैक देयर, एंड मैं वहीं से दोबारा देखती हूँ. तो मैं आप लोगों को जरा दिखा रहा हूँ. हाँ जी, अगर मुझे इसकी पिक्चर, क्योंकि ये नया न्यू अराइवल में बात दिख के, तो मैं आप लोगों को पिक्चर इधर साइड पर लगा दूँगी. हाँ होगी पिक्चर, ज़रूर होगी. हाँ जी, तो मैं आपको दिखा दूँ. सॉरी, ये मैं जब से लेकर आई हूँ ना तो ये इसी तरह पड़ा हुआ है, मीन्स इसको मैंने छेड़ा नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसमें ना रिंकल्स आ गई हैं सूट में. हाँ जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ. इट्स वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, और इस सीज़न में शायद मैंने नेवी ब्लू कलर का कोई सूट भी नहीं लिया था, सो आई वॉज लाइक ये अच्छा लगेगा. हाँ जी, ये बातिक का ड्रेस है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एज यू ऑल कैन सी, आप देख सकते. पहले मैं सोच रही थी वो बलोची लेने का, मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई थी, लेकिन बलोची से ज़्यादा ना मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा था. ये बहुत प्यारा है, आप इसके स्लीव्स देखिए कितने मज़े के हैं, एंड ये स्लीव्स मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल भी दिखा देती हूँ. जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह पहन के भी दिखाऊंगी कि मैं इसमें मैं कैसे लग रही हूँ. इसमें एक प्यारी सी लेस लगी हुई है, यहाँ इंटरफेसिंग हुई हुई है, एज यू ऑल कैन सी. बहुत प्यारा सा इसका प्रिंट है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का, एंड इट इज़ अ नेवी ब्लू, डार्क ब्लू कलर का है. एज यू ऑल कैन सी, इसके ये स्लीव्स है, एंड इट इज़ लाइक अ फ्रॉक नहीं है, बट इट इज़ अ लॉन्ग शर्ट. इंशाल्लाह जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना तब आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा. इट इज हैविंग लाइक दिस बॉर्डर. अब यहाँ फैन है, उड़ रहा है सारा माहौल, तो आप लोगों को क्लियरली भी नजर आएगा, लेकिन तस्वीर देख के नजर आ जाएगा. और सबसे अच्छी बात इस शर्ट की है कि ये इसमें कलियाँ हैं 3, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लॉन्ग शर्ट है. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अब जितने कपड़े बना रही हूँ या ले रही हूँ, मुझे है कि मैं लॉन्ग शर्ट्स पहनूँ, तो लॉन्ग शर्ट है जिसमें आप बहुत एलिगेंट लगते हो. दूसरा, इसकी ये ट्राउज़र है, 2-पीस था, दुपट्टे मेरे पास बहुत होते हैं, एंड इट द ट्राउज़र इज लाइक अ कैप्री, और मज़े की ट्राउज़र है, प्लेन कॉटन की ट्राउज़र है, लेकिन जो शर्ट है इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सीरियसली इट्स वेरी. अब मैं इधर पूरा आप लोग को दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं आप लोग थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ कि ये देखिए ये पहनने में लगेगा कैसे, कैसा लगेगा, इट विल लुक सो नाइस. तो ये जो थी ना, ये जो इसका योक बना हुआ है, ये मुझे एंटर होते ही सबसे ज्यादा जो अपीलिंग लगी थी ना वो ये चीज लगी थी. और आई थॉट ये एम्ब्रॉयडरी, जब मैं करीब हुई तो एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, बट इट वॉज लुकिंग सो नाइस. तो फिर वापस आके ना मैंने बस यही जोड़ा लिया. वाज लाइक मैंने और नहीं पहना. हाँ, इसके ऊपर ये टसल लगे हुए हैं, एज यू ऑल की हैंडमेड जोड़ती हुई वाले, और कहाँ लगी हुई है मैंने देखी भी नहीं. हाँ जी, इसकी नेक पे लगी, ठीक है. तो ये मैं आप लोगों को इसकी तस्वीर डाल दूंगी. प्राइस वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गिफ्ट्स हैं, मैं इधर प्राइसेस नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या चीज़ कितने के लिए. वैसे भी मैं प्राइसेस के मामले में आई एम वेरी फ्लक्कड़. हाँ जी, ये मेरा लाइफ का सेकेंड बातिक का जोड़ा होगा. बहुत पहले मैंने बातिक से लिया था,
अच्छा जी, उसके बाद ये ले लेने के बाद आई वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, मैंने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें ली. पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, फिर मैं एक मीन्स स्टाइलो पे गई ना, तो मुझे ना ये होता है कि जो चीज़ मेरे पैरों पे अच्छी लगती है. मैं जब लाइन लाइट गई थी तो बहुत प्यारे स्टोन वाले जूते थे, लेकिन सबसे ख़राब बात ये थी कि वो स्टोन वाले जूते जो है ना वो मेरे साइज़ के लिए थे. यू नो माय फुट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल फुट, इट इज़ लाइक 40 और 10 11 साइज़ का मेरा पैर, तो उसके लिए ना वो साइज़ एक भी उसमें नहीं था. एंड देन आई वाज लाइक नहीं भाई, मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे कहीं और जाना चाहिए. मैं स्टाइलो पे गई और स्टाइलो पे मुझे बहुत मज़े के जूते नज़र आए. फ्लैट मेरे पास ब्राउन नहीं था, आप लोग को याद हो तो मैंने पहले ब्राउन देखा था, लेकिन वो ब्राउन जो है ना वो मैंने नहीं दिया. हाँ जी, मिले ना था, आई एम गोइंग टू बाय दिस वन. और बहुत अच्छी जूती थी, मैंने महंगी सी ली क्योंकि मुझे एक और चीज़ इसके मीन्स अल्टरनेटिव, अगर मैं बहुत महंगा लेती थी तो मैं वो चीज़ नहीं खरीद सकती, तो वो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया. तो ये जूता मैंने लिया, आप देख सकते हैं इस पर कितना प्यारी सी बो बनी हुई और उस पर सारे डायमंड चीज़ हैं. पहन के भी आप लोगों को दिखाऊंगी. इट इज़ हैविंग वाइट मीन्स सिल्वर एंड गोल्डन डायमंड चीज बोथ ऑन इट, और बहुत प्यारे हैं जी. मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, ब्राउन कलर का है. मैंने पहले भी ब्राउन आप लोगों को दिखाया था, लेकिन ये उस तरह के टाइप नहीं मेरे पैरों पे आते. तो एक जो है वो मैंने जूता लिया. हाँ जी, अब उसका अल्टरनेटिव जो बीच में मेरे पास एक्स्ट्रा थोड़े पास से बच गए थे, आई वॉज लाइक आई शुड गो फॉर सम हैंगिंग बैग. और बैग की स्टोरी ये है कि समटाइम्स आई गो टू बाजार, तो मेरा ये होता है कि मुझे वॉलेट का होता है कि मेरा बैग जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है, तो मुझे था कि मैं कोई मीन्स होता है ना साइडवेज वाला बैग वो ले लेती हूँ. तो साइडवेज वाला बैग लेने के चक्कर में ना मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पर बहुत मज़े की सेल थी, उसमें मुझे ये वाला बैग मिला है. इट वॉज ऑन सेल एज वेल, और इस बैग पे आई थिंक 10% और 20% ऑफ, तो मुझे ये याद नहीं है. इट इज़ अ वेरी, कहते हैं ना साइडवेज वाला बैग है, बहुत मज़े का बैग है. और सबसे अच्छी बात इस बैग की ये है कि हाउ सीरियसली मैं इसको ओपन नहीं किया, शॉप में शॉपकीपर ने ओपन किया. हाँ जी, इस तरह का बैग है, इसकी लंबी सी स्ट्राइप है, और इसके अंदर जो है ना मेरा वॉलेट आ सकता है, ग्लासेस आ सकती हैं. जब मैं इस तरह शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो मुझे इस तरह का बैग ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. मेरे पास पहले भी इस तरह के बैग्स थे जब मैं जॉब करती थी, जॉब करते हुए ये बैग्स बड़े कंफर्टेबल होते हैं, और उसके साथ आप बड़ा बैग लेते हैं जिसमें कॉपी शॉपिंग होती है. लेकिन ये वाला बैग जो है ना मैं इसलिए लिया कि जब मुझे बाजार जाना होता है ना, तो मुझे होता है वॉलेट में हाथ पकड़ती हूँ, बड़ा बैग नहीं लेकर जाती हूँ, उसमें वो ओपन होता है, मीन्स उसमें सिर्फ एक टच बटन टाइप चीज़ लगी होती है. तो ये वाले बैग अच्छे होते हैं कि आप देखिए इसको जब आप बंद करते हैं ना, तो ओपन करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी. सॉरी मुझे चीख आ रही थी, सॉरी. हाँ जी, तो ये मैंने लिया, इस पर पेरिस वाला प्रिंट बना हुआ है, एज यू ऑल कैन सी इट लुक्स सो नाइस, बहुत मज़े का है, प्रिंट भी है इसके ऊपर. और सबसे अच्छी क्वालिटी, द बैग क्वालिटी इज टू गुड. ये भी मैंने स्टाइलो से ही लिया, वहीं पर मैंने शूज़ भी लिए और वहीं पर मैंने ये बैग खरीदा. ये दोनों मैंने वहीं से खरीदे और मुझे दोनों बहुत मज़े के लगे. इंशाल्लाह ताला मुझे ये जो है ना मैंने अपने इस जोड़े के साथ मैचिंग लिया, सो इट वॉज समथिंग आई एम सो एक्साइटेड फॉर. अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और क्या लिया. उसके बाद मैंने ज्वेलरी खरीदी और मैंने दो डिफरेंट जगहों से ज्वेलरी खरीदी. हाँ जी, मेरी बेटी की रिंग जो है ना वो अभी से पहनी हुई है, वो मैं भूल गई, वरना वो दिखाऊंगी मैं आपको कल परसों के ब्लॉग में दिखा दूँगी. अच्छा जी, तो ये मिप जे आई थिंक ये नाम है, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी एक्सेसरीज. ये एक वहाँ पर छोटा सा स्टॉल था जब मैं वहाँ पर गई थी, और वहाँ से मैंने क्या लिया, लेट मी शो यू. बहुत ही प्यारी चीज़ें ली. पहले तो मैंने ये मिरर लिया अपने लिए, ये देखिए कितना मज़े का. इसमें बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन मैंने ये वाला लिया बिकॉज इट्स वेरी यू नो, अगर आप अपने बैग से निकालेंगे ना, इसमें वाइट भी था, इसमें ऑरेंज भी था, इसमें स्किन कलर भी था, बट दिस वॉज समथिंग विच आई बिलीव इज़ लाइक माई कलर. मुझे ऐसे कलर बड़े अपील करते हैं. तो ये बहुत ही खूबसूरत है, मीन्स इसमें ये शीशा है, और ये एक साइड पे इसका वो शीशा है जो कि नॉर्मल दिखाता है, और एक साइड पे वो शीशा है जो बड़ा करके दिखाता है. तो ये वाला शीशा एक मैंने ख़रीदा, और इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट अबाउट इट, इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी. और आपके बैग में पड़ा हो तो मेरे बैग में हमेशा शीशा होता है. तो जो लास्ट शीशा मैंने लिया था वो मैंने मिनीसो से लिया था, अभी भी मेरे पास है, बट आई वांटेड टू चेंज यू. सो एक मैंने ये शीशा लिया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी हसीन किस्म की रिंग्स खरीदी है. पहले मैं निकाल दिखा, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी. फैन मैंने थोड़ा तेज़ किया हुआ था, मुझे गर्मी लग रही थी. हाँ जी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ दिस रिंग.
जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल दिस रिंग इज. दिस इज ऑरेंज कलर के, इसमें ये स्टोन्स लगे हुए हैं. एंड लेट मी रिमूव दिस रिंग, मैं निकालू और मैं आप लोगों को ये पहन के दिखाती हूँ. मुझे ना इस टाइप की रिंग्स बड़ी अच्छी लगती है, जो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होती है, जैसे आपको नजर आ रही होगी. इट्स सो ब्यूटिफुल. ये वहां से मैंने एक ही रिंग ली. इट वॉज लाइक अच्छी मीन्स क्वालिटी की रिंग है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी, बट आई वॉज लाइक कि सही है, मैंने ज्वेलरी तो लेनी है तो क्यों ना मैं ये प्यारी सी रिंग लूँ. और ये भी मेरी इन कपड़ों के साथ मैचिंग है. लेट मी शो यू, ये इनके साथ मैचिंग है, आप लोगों को नजर आ रहा है. हाँ जी, ये मेरे इन कपड़ों के साथ इवन मैचिंग है. तो ये जो है आप देख सकते हैं कितने मजे की. एक मैंने ये रिंग ली और अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ. जस्ट लुक एट दिस वन, ये उतार के दिखाती हूँ तो आपको नजर आएगी. यस, सी हाउ ब्यूटिफुल दैट रिंग इज. मेरे पास एक गोल्ड की रिंग है. असल में मैं गोल्ड नहीं पहनती. मेरे साथ कराची में एक मिसहैप हुआ था, आप लोगों को पता होगा वहाँ स्नैचिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसके बाद से मैंने ना गोल्ड, आप लोगों ने देखा होगा, सिवाय इस एक कड़े के और एक रिंग के मैं गोल्ड नहीं पहनती. हमारे साथ मिसहैप हुआ था और उसके बाद से मैंने अपनी ज्वेलरी पहनना छोड़ दी. लाइक आई हैव केप्ट इट इन लॉकर, मैं नहीं पहनती ज्वेलरी. और आई एम लाइक ऐसी चीज़ जो आपके जान के लिए खतरा हो उसको नहीं रखना चाहिए अपने पास. तो आई रियली लव दैट रिंग. अभी भी मेरे पास है, कभी अगर मैं लेकर आई तो मैं आपको दिखाऊंगी. दैट इज येलो टोपास, ये बिल्कुल वैसा है. मेरे टोपास की रिंग है, वो बड़ी है थोड़ी सी ना, तो ये बिल्कुल वैसी है, आप देख सकते हैं. सो ब्यूटिफुल. एंड इसके साथ जो है ना बहुत प्यारी, ये भी मैंने उसी शॉप से लिए. दोनों जो है ना, ये मैंने जो आपको दिखाई है जिधर से मैंने ये लिए, इधर से ये दोनों मैंने रिंग्स दिए. एज यू ऑल कैन सी इट लुक सो नाइस. हाँ जी, मुझे किसी ने कहा था कि आप कितने बड़े नेल्स हैं, आपको उलझन नहीं होती. नहीं, मुझे बिल्कुल उलझन नहीं होती. आई एम यूज टू, आप देख सकते हैं टूट जाते हैं मेरे नेल्स. अभी भी इधर क्रैक लग के बड़ा शदीद किस्म का मुझे पेन हो रहा है, और टूट जाते हैं तो फिर मैं उनको जो है ना मीन्स खुद ही बड़े हो जाते हैं, मीन्स मैं फाइल नहीं करती, तो मुझे आदत है. और दूसरा, किसी ने मुझे पूछा था आप इतनी ज्वेलरी के साथ सोती भी हैं. जी हाँ, आदत होने की बात. अभी देखिए, मैंने कभी आपको मेरे कानों में, सिवाय वो जो ईद पे मैंने एक टॉप्स पहने थे, या मैं उस दिन जब पहन के गई थी, मैं इयररिंग्स नहीं पहनती, मैं गले में कुछ नहीं पहनती, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है. लेकिन मुझे रिंग्स की और ब्रेसलेट्स की, या इस तरह के बैंगल्स नहीं पहन सकती, ब्रेसलेट्स की आदत है. तो वो आदत है, अब वो मैं नहीं चेंज कर सकती. मुझे अच्छा लगता है और मैं उसके साथ सो भी जाती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. हाँ जी, तो ये दो रिंग्स मैंने ली हैं. एज यू ऑल कैन सी कितनी हसीन है, ये दो रिंग्स ली. अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट, नहीं लास्ट नहीं, लास्ट के लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ रखी हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या रखा है, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था. हाँ जी, उसके बाद मैं गई, ये है एलिगेंट मेकअप सिटी. हाँ, मुझे किसी ने कहा था मेकअप वाले का नाम बता दें. दैट वॉज एलिगेंट मेकअप सिटी, गीगा मॉल पे, फर्स्ट फ्लोर पे है. एंड वहाँ से मैंने जो है ना अपने लिए कंसीलर लिया. आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में भी, मैंने पहले भी फिटमी का यूज़ किया हुआ है, इसके बाद मैं यूज़ कर रही थी. मेरे पास एक ब्रांड का था, वो नाम मुझे भूल गया. अब वो मेरा कहीं मेरे किसी बैग में मुझे मिल नहीं रहा. एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ बैग्स, तो मैं जाते हुए किसी में शायद डाल दी और वो मुझे मिल नहीं रहा. मुझे बहुत फिरना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं वैसे भी वो खत्म हो रहा था. मुझे तो चलो दूसरा आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए. सो दिस इज़ फिटमी. और फिटमी का जो कलर मैंने लिया है, दैट इज ये मेबलिन की ब्रांड है, फिटमी, सॉरी. और इसका जो ये कलर है, लेट मी सी, पता नहीं इस पे कलर नहीं लिखा हुआ. इट्स अ कंसीलर और ये मैंने पहले भी यूज किया है, ये आप देख सकते हैं. ठीक है, ये कंसीलर मैंने लिया है और ये मैं अंडर आई और ये जो लाफ लाइन्स होती है ना, इस पे मैं लगाती हूँ तो ये काफ़ी कवर करता है. तो ये मैंने लिया है. इट वाज लाइक प्राइस मैं नहीं बता रही, देखिए इट वाज, ये सारी चीज़ें गिफ्ट हैं तो इसलिए मैं इनकी कोई प्राइस नहीं बता रही. और ये मेरे सामने सील खोला गया था, देन आई यूज्ड इट एंड फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे यही दे. सो ये जो है एक मैंने फिटमी का कंसीलर लिया. हाँ जी, उसके बाद मैंने क्या लिया, हाँ जी, मैं ब्रेसलेट्स ना लूँ, बस मुझे एंकलेट्स नहीं मिले. सीरियसली मिले थे, लेकिन वो वही थे जो मेरे पास पहले भी हैं, इसलिए फिर मैंने ले ली. हाँ जी, मैंने उधर से अपने लिए ब्रेसलेट्स लिए, देखे कितने प्यारे प्यारे हैं. जिस ये पर्ल्स वाले सारे, मीन्स ये वाइट कलर का, वाइट कलर का मेरे पास कोई ब्रेसलेट नहीं था. ये देखिए वाइट है ये, एंड इट इज टाइट, ढीला नहीं है. एक मैंने वाइट कलर का ब्रेसलेट लिया है, एक मैंने ये ग्रीन, एंड ये आप देख सकते हैं ग्रीन है और इसमें येलो है और इसमें पता नहीं ऑरेंज है. ये एक मैंने लिया, ये दोनों एक ही तरह के थे, थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन ये लिया. एक मैंने ये ब्राउन लिया, क्योंकि मेरे पास एक ही ब्राउन है, समटाइम्स ये थोड़ा सा डिफरेंट शेड में है. एक मैंने ये लिया,
हाँ जी, और एक है मैंने दोबारा दूसरा लिया, ये देखिए कितने मजे का है। सो एक मैंने ये लिया, तो मैंने ये चार अदद ब्रेसलेट्स अपने लिए लिए, 3 4, ठीक है। ये फोर ब्रेसलेट्स आई बॉट फॉर माई सेल्फ। अच्छा जी, हाँ जी, तो अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ दैट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड साइड। इसलिए मैंने जो है ना ये बॉक्स पहले दिखा दूँ, इससे मैचिंग कपड़े पहने। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड। सो लेट मी ओपन दिस कि ये क्या है। इधर से जो लोग जानते हैं वो पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग नीचे लिखें कमेंट में एक मिनट के लिए पॉज करके कि क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। सो मैं पॉज करती हूँ। हाँ जी, तो अब ये मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। लेट मी ओपन इट। ये बॉक्स है पूरा, ये इस तरह इसका लिड अलग होता है, ये सामने से यूं करके खुलता है और ये इसका डब्बा है। ये इस बॉक्स के अंदर एक और डब्बा है, एज यू ऑल कैन सी। जिनको पता है वो नाम देख के, सीरियसली मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बट अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है, बहुत डिफिकल्ट है। स्विस, कोई स्विडिश लिखी हुई है, आई डोंट नो क्या क्या है ये, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल बॉक्स। अच्छा जी, मैं आपको पहले दिखा दूँ, अच्छा एंड में दिखाती हूँ कि इस और बॉक्स में क्या क्या चीज़ है। हाँ जी, ये देखिए, और हाँ इस पर देखिए लिखा है लेडीज, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको, जब आप ओपन करते हैं इसके अंदर ये एक पाउच है। सी, इट्स अ ब्यूटिफुल पाउच एज यू ऑल कैन सी, और बहुत प्यारा पाउच है। और सिर्फ एक दफा मैंने खोला है, आप लोगों के सामने दोबारा खोल रहे हैं। इसको जब आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर से निकलती है ये वाली घड़ी, ठीक है, ये वाली घड़ी इसमें से निकलती है। एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल वॉच, इसके अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं एंड लाइक बहुत प्यारी घड़ी, बहुत ही प्यारी घड़ी है। लेट मी ओपन, आई थिंक मुझे ओपन करनी भी नहीं आ रही थी, थोड़ी सी डिफिकल्ट था खुलती। अब मैं ज़रा आपको पहन के दिखाती हूँ एंड इसके जो है मैं इस लुक आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसी है। इसमें 8 diamonds लगे, ठीक है, एंड इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट लाइक अभी तक मुझे जब तक रिसीव हुआ है। और ये वाली इंशाल्लाह ताला आई विल बी वेयरिंग दिस घड़ी, क्योंकि घड़ियाँ जब आप इतनी एक्सपेंसिव होती है ना तो आपको कहीं जाने के लिए पहननी भी पड़ती है, लेकिन इस एक साल में तो मैं कहीं नहीं गई इसलिए मैंने पहनी नहीं। आप लोगों को एक और बात बता दूँ, इसी ब्रांड की घड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट ईयर भी दी थी, बट इट वॉज लाइक ये तो ऐसे स्किन कलर का डब्बा है, वो ग्रीन कलर का था। वो घड़ी थोड़ी इससे थोड़ी नहीं बहुत डिफरेंट है, उसमें चांद सितारे भी नज़र आते हैं और उसमें चांद सितारे बने हुए, मैं आई डोंट नो क्या बना हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी वो जो है ना नहीं देखी हुई वो वाला ब्लॉग तो आप लोग देखिएगा, वो मेरे लास्ट ईयर का गिफ्ट था। इट वॉज ऑल्सो अ वॉच, जब मैं जॉब करती थी ना तो मैं ये वॉच बहुत पहनती थी, लेकिन अभी क्योंकि घर में होती हूँ मेरी एक डिजिटल वॉच है वही मैं पहन लेती हूँ, जो स्मार्ट वॉचेज़ होते हैं जिसमें सारे आपके ऐप्स डाउनलोड हो सकते हैं तो वो मैं पहन लेती हूँ। मैं वॉक भी करती हूँ तो हेल्प कर देता है। तो इस तरह की जो घड़ियाँ होती हैं ना वो आप उसके लिए आपको कोई ऐसी जगह जाना भी पड़ता है, और हम इस कोरोना की वजह से कहीं तो गए नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप लोग मुझे एक घड़ी पहने में देखेंगे, वो घड़ी भी मैं पहनूंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे मैचिंग में मज़ा आता है। ये अब कपड़े जो है ना उसके हिसाब से ये घड़ी नहीं है, हाँ बॉक्स ज़रूर था, ये जैसे वाइट कपड़े या इस टाइप के कपड़ों के उनके साथ अच्छी लगेगी। सारा कवर्ड है ये, अभी मैंने बिल्कुल इसको खोलना भी नहीं है और इसकी डिटेलिंग सब कुछ इसमें हुआ हुआ है। तो ये है कि ये घड़ी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप लोग मुझे पहने हुए देखेंगे। मैं थोड़ा सा करीब से आप लोगों को दिखा दूँ, अगर आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी घड़ी। हाँ जी, तो ये जो है ये घड़ी मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है। इसके अंदर जो इसका ये बॉक्स है, इसके अंदर जो है आप इसका ये कार्ड है, आई डोंट नो ये क्या कार्ड है, लिव योर पैशन इस पर लिखा हुआ है, और ये डिफरेंट कंट्रीज की जबान में इस पर इसका लिखा हुआ है, और ये इसकी एक अदद बुकलेट है। अगर आपको याद हो मेरे हस्बैंड अपने लिए भी एक घड़ी लेकर आए थे तो ये उसी टाइप की घड़ी है। ये देखिए ज़रा, ये इसका प्रॉपर आई डोंट नो ये कार्ड है, शायद गारंटी वारंटी कार्ड है, ये इसकी पूरी बुकलेट है कि इस घड़ी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ जो मेरी पुरानी घड़ी है उसके साथ भी सारी लवाजमात है, सारे के सारे
तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह ताला यूज़ करूँगी जब मेरा कहीं मैं जाना आना शुरू करूँगी और अपने कपड़ों के अकॉर्डिंगली मैं पहनूँगी। घड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, घड़ियाँ मेरे बाबा को बहुत अच्छी लगती थी, मेरी फैमिली में घड़ियाँ बहुत शौक से पहनते हैं, माई हस्बैंड नोज दिस, तो वो ये होता है कि इसलिए वो घड़ी लेकर आते हैं। और घड़ी होते मैं बाजार जाते हुए पहन लेती हूँ कभी कभी, जॉब पर तो मैं बहुत पहनती थी। तो ये मेरी जो है ना इस बर्थडे की लाइक सारे गिफ्ट्स मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे लिखे दिए हैं, लेकिन ये भी बहुत प्यारी है और अपने बच्चों के गिफ्ट्स भी मुझे बहुत प्यारे हैं। सो खैर अब मैं ये उतार देती हूँ, क्योंकि ये जो उतारना भी पता नहीं आता ही, क्योंकि मुझे मैंने कभी ये घड़ियाँ पहनी नहीं है, मैं डिजिटल वॉच पहनती हूँ प्रॉपर नॉर्मल, ये बाद में खोलूँगी जी। हाँ जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।